नियुक्त किया और कौन सा टीचर कहाँ के लिए भेजा, वो कॉपी जो की है वो हमें भी दिखाई जाएगी, कौन सा टीचर किस बेस के ऊपर भेजे हैं, उनमें कितने बच्चे हैं, वो हमें भी पता चलना चाहिए। जब बांचल से टीचर ट्रांसफर हुए थे हम सीईओ के पास गए थे, सीईओ ने बोला था नेक्स्ट लिस्ट आने वाली है तो हम टीचर आपके लिए भेज देंगे, लेकिन आज तक वो नेक्स्ट लिस्ट नहीं आई है। जैसे आज आप भी बोल रहे हैं कि रैशनलाइजेशन जो है वो अभी बंद नहीं हुई है, वो चल रही है, लेकिन सिर्फ ये पता नहीं कागज पत्रों में ही पूरा होता है, जहाँ हमें मिलेगा भी जी नहीं मिलेगा, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि जैसे हॉस्पिटल की है, हॉस्पिटल जो हमारा कागज पत्र में जो हॉस्पिटल सीएचसी है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे देखा जाए वो उसके रिलेटेड कुछ भी नहीं है। और ये है कि जो एम्बुलेंस है वो 108 हमारे पास एक ही है, तो बहुत ढग्गर संधि भंडार से वो जो कुछ भी फैसिलिटी या कुछ भी हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हम चाहते हैं कि दो एम्बुलेंस हमें 108 और मिल जाए तो अच्छी बात है, इसके लिए हमने डिमांड दी भी है, तो आपकी तरफ से भी एक लेटर जाएगा तो वो शायद हमें मिल सकती है। तो जैसे सरपंचों ने इन्होंने बोला कि डीडीसी के पास बहुत फंड्स आते हैं जो हॉस्पिटल के लिए रख दे, पिछली बार भी मैंने कोई 30 लाख स्पेशल हॉस्पिटल के लिए रखा है, लेकिन जितना मेरे से होगा मैं करूँगी, क्योंकि हमारे पास साल का एक ही बार प्लान आता है, उससे जितना भी मैं मेरे से हो सकेगा मैं करूँगी। लेकिन मैं एक आप सबसे ये रिक्वेस्ट चाहती हूँ कि जैसे आप बोल रहे हो कि गलियाँ शलियाँ बनाने बंद कर दो, वो लोगों को ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि लोग भी मेरे पास आते हैं कि हमने आपको इलेक्टेड किया तो आप हमारी गलियाँ क्यों नहीं बना रहे, हमने उनको भी जवाब देना होता है। और BDO साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे पिछले साल हमारा मेरा खुद कैपेसिटी का जो प्लान था तो मेरे पास तो कोई आज तक वो जो काम कंप्लीट हो गया तो मेरे पास कोई नहीं आया कि हाँ कि हमें लिख के दो जहाँ हमारी पे उनकी पेमेंट हो गया, काम भी नहीं हुआ आज तक, क्योंकि मेरा 2-3 काम ऐसे हैं कि मुझे पता भी नहीं है कि स्टार्ट कब हुए हैं और उनकी जो पेमेंट है वो कैसी हुई है। तो मैं शायद मैंने आपसे बात भी की थी कि इसके ऊपर आप देखो कैसे पेमेंट होगी उन लोगों की, और मुझे पता नहीं है कि काम कहाँ से स्टार्ट किया है, कहाँ तक उन्होंने एंड किया, और अभी भी जो हमारे काम चल रहे हैं कोपैक्स के, अगस्त का टेंडरिंग हो चुकी है लेकिन अभी तक किसी भी बंदे ने काम स्टार्ट नहीं किया, जो ब्लॉग बनी है बनी में थोड़े बहुत हो चुके हैं स्टार्ट, लेकिन ब्लॉग डुगन में अभी तक मेरा एक भी काम स्टार्ट नहीं हो चुका है, और मैंने 10 बार BDO को फ़ोन भी किया है कि वो काम जल्दी जल्दी स्टार्ट कराओ। अभी दिसंबर में हमसे वो प्लान मांग रहे हैं, हम किस बेस से प्लान दें, क्योंकि हम लोगों को पूछ के प्लान बनाएंगे, बाद में वो बोलेंगे लाइबिलिटी दो, हम लाइबिलिटी दे देंगे तो लोग क्या बोलेंगे हमें कि हमारा काम क्यों काटा, उनको क्या बताएंगे हम कि किस बेस से आपका काम काटा गया है। तो जो हमारे जो एक धार वाला रोड था उसके लिए मैंने रखा था 7 लाख, वो मुझे नहीं पता उसमें टेंडर कितना हुआ कितना नहीं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि उस बंदे ने सिर्फ एक दिन मशीन लगाई है, फिर उसने मशीन बंद कर दी है, आगे वो काम पता नहीं PWD ने किसने उठा लिया है, लेकिन उस बंदे की पेमेंट हो गई है, वो कैसे हो गई है। और जो एक मीडियम हॉल था JDO ऑफिस, इसकी हम इनॉग्रेशन करते हैं जनवरी में, और मार्च के बाद मुझे बोलते हैं कि इसकी लाइबिलिटी है, किस चीज़ की लाइबिलिटी है, जब इनॉग्रेशन की थी उसी टाइम मुझे बताना था कि जहाँ पे कुछ कमी है जहाँ इस चीज़ की लाइबिलिटी है तो मैं देती, 2 लाख की किस चीज़ की लाइबिलिटी आई, वो तो मैं मतलब अभी भी मना कर रही हूँ कि मैं नहीं दूंगी, लेकिन फिर DC साहब ने बोला कि इसके लिए फिर और ज़्यादा इशू बन जाएगा, इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। तो और आप खुद भी जाओ उसको देखो कि किसकी लाइबिलिटी रहती है, वो क्या चीज़ उसने एक्स्ट्रा लगाई, जब मैंने डेकोरेशन कर दी उसके बाद कोई चीज़ उसने एक्स्ट्रा लगाई है तो मैं देती हूँ, वैसे क्यों नहीं दूंगी, लेकिन जो चीज़ें पहले की लगी हैं वही चीज़ें आज ही लगी हैं, और हैंड ओवर भी कर दिया JDO को, इन्होंने भी मुझे बताया कि इन्होंने आपके इनॉग्रेशन होने के बाद फिर कुछ चीज़ जहाँ पे एक्स्ट्रा लगाई गई है। तो बाकी और इशू तो बहुत सारे हैं, जैसे एक और था क्या बोलते ये जो अभी जो टेंडर लगा है, तो बड़े सारे कुछ ठेकेदार ऐसे हैं कि उन्होंने काम स्टार्ट भी कर दिया, जब वो काम स्टार्ट करते हैं कम से कम हमें तो पूछ लीजिए ना एक बार कि आपका काम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें क्या पता उसमें वो कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, क्या नहीं, आज वो काम करेंगे दूसरे दिन वो टूट जाएगा शेड जहाँ कोई भी वो बना रहा है, फिर उसका कौन जिम्मेवार है, किसको हम पूछेंगे, जब तक आप हमें नहीं बताएंगे, वो ठेकेदार हमें नहीं बताएगा, हम कैसे उसकी वो करेंगे कि हाँ जी मटेरियल अच्छा लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। और जो कॉपी है एस्टिमेट या जो भी है वो हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि हमें भी पता चलना चाहिए कि जो हमारी बिल्डिंग या जो भी हमने रखा है इसमें जो मटेरियल यूज़ होना चाहिए और क्यों नहीं हो रहा है, वो सब कुछ हमें प्रोवाइड होना चाहिए, और ठेकेदार का नंबर जो है वो भी हमें मिलना चाहिए, क्योंकि शायद आप बिजी रहते हो गए, आप उनका प्रेशर नहीं डाल सकते, हम खुद क्योंकि हमें पता है हमने आगे प्लान देना है, लाइबिलिटी अगर रह जाएगी तो हम लोगों को ही देनी है, वो फिर हमने लोगों को क्या जवाब देना, तो आप हमें दीजिए, हम उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, ठेकेदार अगर हमारी बात नहीं मानते हैं आपका काम है फिर उसके ऊपर कार्रवाई करना, फिर आप आगे कार्रवाई करो उसके ऊपर। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ये मेरे थोड़े से इशू थे और मैं